नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है उस अभिनेत्री का जिसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, बॉलीवुड में आई तो एक मुकाम बनाया और दोनों बेटियां भी मशहूर हैं। हम बात कर रहे हैं दीना पाठक की। दिग्गज अदाकारा दीना पाठक का जन्म गुजरात के अमरेली में 4 मार्च 1922 को हुआ था। दीना पाठक केवल अभिनय ही नहीं, आजादी की लड़ाई में भी सक्रिय थी। आपको जानकर हैरानी होगी, उन्होंने ताउम्र अपनी जिंदगी किराए के एक मकान में गुजार दी, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने एक घर खरीदा। 11 अक्टूबर 2002 को मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई थी और उस वक्त दीना पाठक 80 साल की थी। दीना पाठक की बड़ी बेटी रत्ना पाठक शाह और छोटी बेटी सुप्रिया पाठक आज अभिनय की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। रत्ना की शादी नसीरुद्दीन शाह से हुई और सुप्रिया की पंकज कपूर से। दीना पाठक बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने अपने अभिनय की काबिलियत से कई बड़े बड़े लोगों को पीछे छोड़ दिया। फिल्मों में उन्हें देख ऐसे लगता है कि पड़ोस में रहने वाली कोई बुजुर्ग महिला है या फिर अपनी ही दादी है। दीना पाठक आजादी के आंदोलन में काफी सक्रिय थी। आलम यह था कि मुंबई की सेंट जेवियर्स कॉलेज से उन्हें निकाल तक दिया गया था। मार्च 1989, ये वो दौर था जब फिल्मफेयर पत्रिका में दीना पाठक ने बताया था कि कॉलेज से बाहर निकाले जाने के बाद उन्होंने दूसरे कॉलेज में पढ़ाई कर अपनी बीए की डिग्री ली। दीना की शादी बलदेव पाठक से हुई थी। वो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास कपड़े सिलने की दुकान चलाते थे। बलदेव पाठक राजेश खन्ना और दिलीप कुमार के कपड़े डिजाइन करते थे। उन्होंने ही राजेश खन्ना के लिए गुरु कुर्ता और ऐसे ही कई कपड़े डिजाइन किए थे। दीना के पति बलदेव अपने आप को इंडिया का पहला डिजाइनर कहते थे। हालांकि राजेश खन्ना की फिल्मों के करियर में जब गिरावट होनी शुरू हुई तो बलदेव की दुकान पर भी इसका असर पड़ा। बाद में उन्हें अपनी दुकान बंद तक करनी पड़ी और 52 साल की उम्र में दीना पाठक के पति का निधन हो गया। दीना पाठक ने 120 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और उनका अभिनय का सफर तकरीबन 60 साल लंबा रहा। फिल्मों के साथ साथ वो गुजराती थिएटर में भी बहुत एक्टिव रहती थी और उन्हीं के प्रभाव के चलते दीना पाठक की दोनों बेटियां यानी कि रत्ना पाठक शाह और सुप्रिया पाठक थिएटर में आईं। रत्ना ने नसीरुद्दीन शाह से शादी की, वहीं सुप्रिया पाठक पंकज कपूर की पत्नी है। बड़ी बेटी रत्ना और दीना पहले बहुत लड़ते झगड़ते थे। रत्ना कहती हैं कि बाद में हमारा रिश्ता बिल्कुल अलग तरीके का हो गया, हम दोस्त बन गए। मैं माँ से किसी भी विषय पर बात कर सकती थी और जब वो हमें छोड़कर गई तो मेरी प्यारी दोस्त बन गई थी। दीना पाठक के यादगार रोल में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल आपको याद होगी, जिसमें वो राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद की नकली माँ बनती हैं। और अगले साल आई खूबसूरत रेखा की, वो गुप्ता परिवार की एक कड़क मुखिया निर्मला गुप्ता बनती हैं। गुलजार की फिल्म मीरा जो कि 1989 में आई थी, उसमें उन्होंने राजा बीरम देव की रानी कुंवरबाई का रोल किया था। गोविंद निलहानी की सीरीज तमस जो कि 1988 में दूरदर्शन पर आई थी, उसमें बंदों की भूमिका निभाई थी। और ऐसी ही बहुत सी फिल्में हैं जिसमें दीना पाठक ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। आपको संजय लीला भंसाली की देवदास भी याद होगी। देवदास में भी एक किरदार ऐश्वर्या राय की सास का दीना पाठक ने ही निभाया था और ये दीना पाठक के करियर की आखिरी फिल्म थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।